लो भाई और उनकी बहनों, आ गया है वो जिसका सबको इंतजार था, मोस्ट अवेटेड और जिस वेब सीरीज से सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, मिर्जापुर सीजन 2। लेकिन सुन के अच्छा लगा। जैसे कि मैंने ट्रेलर में कहा था, गोलियों और गालियों की बारिश होने वाली है इस वेब सीरीज में, और वही हो भी रहा है। ढाई ढाई गोलियां चल रही है और गालियां भी दबा के आ रही है। और इस वेब सीरीज की खासियत है, अपने मिर्जापुर सीजन 1 देखा होगा तो आपको पता ही होगा, इसमें है 10 एपिसोड और ये है 40 to 50 मिनट्स का एक एपिसोड। तो आप एक कोना पकड़ लीजिए संडे को और पूरी ख़त्म कर दीजिए एक फ्लो में। फ्लो में देखोगे तो मज़ा आएगा। और ये कहानी में मुन्ना भैया अपनी योग्यता साबित करने में लगे हैं और उनको चाहिए कुर्सी जिस पे बैठकर वो राज करना चाहते हैं। गुड्डू पंडित का अस्तित्व ख़त्म करना इनका परम धर्म है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और गुड्डू भैया का अलग ही सीन है, भाई और पत्नी को कुर्बान करके बाद वो अब गोलू और डिम्पी के साथ मिलकर बदले की आग में जल रहे हैं। जली ना तेरी भी जली ना। और हमारे वे मास्टरपीस कालिन भैया इस बार पॉलिटिशियन बनकर पैसों के पावर के साथ शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मरेगा और कौन मारेगा, सारे जवाब आपको मिलेंगे Amazon Prime पर। इस सीजन में दिमाग का उपयोग भी किया गया है और ये फैक्टर इस सीजन को कुछ अलग और एक लेवल अप ले जाता है। Oh my God! और अचानक से कुछ अलग ही हो जाता है, एकदम झटका देने वाली चीज हो जाती है जो आपके इंटरेस्ट के एपिसोड को बदल देता है। जो वेब सीरीज की स्क्रिप्ट है वो एक नंबर है, सार्केज्म और इमोशंस के साथ बड़े अच्छे तरीके से खेला गया है। और नारी शक्ति तो आपने सुना ही होगा, उसका अगर ट्रू डेफिनेशन आपको चाहिए तो मिर्जापुर 2 जरूर देखिएगा। तो ये सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं है, ये एक इमोशन है, क्योंकि सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, ये आपको रियल लाइफ में भी रिलेट करेगा। पैसों के दम पर गुनहगार को बेचकर बेगुना को फंसाना, ये तो रियल लाइफ में होता ही है, जो कि बाखूबी इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। क्योंकि ये खून भी होता है और कभी कभी बहुत सारे धोखे भी होते हैं, ये भी इस वेब सीरीज में दिखाया गया है, इसलिए जो कमज़ोर दिल वाले हैं वो तो ना ही देखे तो बेहतर रहेगा। मुन्ना गुड्डू ने तो आग ही लगा दी इस वेब सीरीज में, डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग एकदम फर्स्ट क्लास, कोई गलती नहीं है, पर इसमें तो आग लगा दी, आग लगा दी। हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। और पंकज त्रिपाठी जो जान है इस वेब सीरीज के, उसके एक्टिंग के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो बहुत ऊंचे दर्जे के कलाकार है और वो उन्होंने अपना 110% दिया है। और दूसरी बात करूँ तो गोलू के कैरेक्टर ने नारी शक्ति को एक नया दिया है, प्रमाण दिया है सॉरी। और रसिका दुग्गल ने अपना एक्टिंग स्किल से अपने अलग पहचान इस वेब सीरीज में बनाई है। ईशा तलवार और दीपांशु भी आपके दिल में रह जाते हैं और ये एक नई कास्ट है, इसलिए बहुत ही अच्छा काम किया है, नई कास्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और आपको चाचा तो याद होंगे, भूले नहीं होंगे आप चाचा, वो डैश वाले चाचा। उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। रेस्ट कर लो वरना रेस्ट इन पीस हो जाओगे। वंस मोर अभी उनका जवाब आपको मिलेगा, बस अब वो देंगे अपना जवाब इस वेब सीरीज में। और मैं कुछ ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाहता आपको, कैरेक्टर्स का मतलब एक्टिंग बोल दी, स्टोरी में बोल नहीं सकता क्योंकि आपका मज़ा खिड़खिड़ा हो जाएगा। और मैं इस वेब सीरीज को मतलब मैंने 10 एपिसोड देखे तो उसके हिसाब से मैं देना चाहता हूँ इस वेब सीरीज को 4 stars 5 में से। इतनी खुशी मुझे, क्योंकि ये वेब सीरीज सीजन 2 आप देखेगा, मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँ, मैं नहीं रिवील कर सकता। आपने मिर्ज़ापुर सीजन 2 देखी है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है वेब सीरीज़,
और हमारे ये रिव्यू कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रिव्यू में, टिल देन स्टे हेल्दी स्टे सेफ, बाय बाय, जय हिंद और जय महाराष्ट्र। रोल नंबर 1, यस सर। 2, यस सर। 3, यस सर। 4, यस सर। 5, यस सर। हाँ तो बच्चों आज बताओ क्या पढ़ाऊं? सर निकाह पढ़ा दो रोल नंबर 4 के साथ। चार बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं।